day out in Ageman, city centre, watching movie, and having famous Saudi brand, Al Baik. Assalamualaikum, मैं हूँ कमर नसीर और आज मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं है। आज मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन ऐसे बैठे इरादा बना बाहर जाने का, तो मैंने सोचा कि आज के इस डे आउट को भी मैं कैप्चर करूँ। तो आज जो मेरा प्लान है वो है सिटी सेंटर अजमान जाने का, और सिटी सेंटर अजमान में जो मेरा प्लान है उसमें दो एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिसमें एक मूवी है जो कि हॉलीवुड की मूवी है बीस्ट, जिसमें वाइल्ड एनिमल का कोई सीन है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ। और जो डिनर का प्लान है उसमें मेरा इरादा अल बैक खाने का है, और जैसा कि मोस्टली बंदे जानते हैं कि अल बैक सऊदीया का एक फेमस ब्रांड है और अभी वो अपनी ब्रांचेस यूएई में ओपन कर रहा है, लेकिन इस टाइम ब्रांचेस काफ़ी लिमिटेड हैं, थोड़ी हैं, तो हर ब्रांच में रश होता है। तो रिसेंटली अजमान में भी उनकी एक ब्रांच ओपन हुई है, सो मेरा इरादा है कि आज उसको ट्राई किया जाए। और ये भी एक एक्सपीरियंस करना है कि कितनी देर लगती है अपने ऑर्डर तक पहुंचने में। नॉर्मली 30 to 45 मिनट्स नॉर्मली लग जाते हैं, सो लेट्स सी टुडे जो भी सीन होता है उसको मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अभी अजमान में एंटर हो गया था, अजमान की रोड पे जा रहा हूँ, और जो सिटी सेंटर अजमान है वो अलजर्फ के एरिया में है, उसके करीब ही हूँ, इतना ज़्यादा शारजा से ये फार अवे नहीं है। और अजमान की जो रोड की स्पीड है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसमें शारजा दुबई तो थोड़ा एक्सटेंशन अलाउ करता है स्पीड में कुछ किलोमीटर्स की, लेकिन मैंने सुना है कि अजमान के कैमराज नहीं करते, तो उसके लिए बड़े ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है और एग्जैक्ट लिमिट पर रखनी पड़ती है। और क्योंकि रात को अभी बाहर कुछ व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, अंधेरा है, इस वजह से मैंने कुछ रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, तो सिटी सेंटर में पहुंच के फिर मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अभी बस सिटी सेंटर की पार्किंग में एंटर हो रहा हूँ बैक साइड से, इधर देखता हूँ जो भी फिजिकल पार्किंग मिली उधर पार्क करके, तो फिर सिटी सेंटर के अंदर। सिटी सेंटर में एंटर हो गया हूँ और सबसे पहले मूवी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मूवी का टाइम करीब है, और अगर ये परफ्यूम्स किसी ने लेने हैं तो बताएं। और ये हैं सारे मूवी के बैनर्स जो आज लगी हुई हैं, और मेरी जो पिक है आज है बीस्ट। बस अभी पॉपकॉर्न ले लिए हैं और मूवी के टाइम में 15 मिनट्स हैं, उसके बाद बस जाके मूवी देखते हैं और नेक्स्ट अपनी एम की तरफ। अभी मूवी देख ली है, मूवी ख़त्म हो गई है, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उसके बाद डिनर के लिए अल बैक की तरफ जा रहा हूँ। और ये अल बैक के पास पहुँच गया हूँ और एज़ एक्सपेक्टेड रश बहुत ज़्यादा है इधर, और इस टाइम मैं हूँ आउटर क्यू में, और आउटर क्यू के बाद एक इनर क्यू है,
इनर क्यू के बाद ऑर्डर और ऑर्डर के बाद ऑर्डर कलेक्शन की क्यू है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये आउटर क्यू में जगह जगह पे उनने मेन्यू लगाए हैं, इधर से आप मेन्यू स्कैन करके अपना ऑर्डर पहले से फाइनलाइज कर सकते हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। और आउटर क्यू के बाद अब इनर क्यू की बारी, इनर क्यू में जाके अपने ऑर्डर का वेट करना है। ऑर्डर मेरा हो गया है और उसके बाद अभी मैं कलेक्शन की क्यू में आ गया हूँ, और कलेक्शन की क्यू में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने ऑर्डर को पिक करने के लिए। इस टाइम 780 नंबर चल रहा है और मेरा जो ऑर्डर नंबर है वो 802 है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ऑर्डर कलेक्ट कर लिया है मैंने। ये है अलबैग सिटी सेंटर अजमान का मेन्यू, जिसमें फ़िश आइटम्स, चिकन बर्गर्स, फ्राइज़ और अदर साइड आइटम्स हैं। और अलबैग का जो प्लस पॉइंट है वो इसका टेस्ट और इसकी लेस प्राइसिंग है। और ये है मेरा कंप्लीट ऑर्डर जो मैंने अलबैग से पिक किया है, और इसको आपके साथ ओपन करता हूँ। सबसे पहले ये है फ़िश नगट्स और फ्राइज़, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और अलबैग के डबल बैग बर्गर्स। और अलबैग का जो प्राइस है वो दूसरे फेमस ब्रांड से आलमोस्ट हाफ है। और ये है अलबैग के फ़िश नगट्स जो के 10 पीसीस हैं, और इनकी जो प्राइस है वो 20 दिरहम्स है। और इसके बाद ये है अलबैग का डबल बैग बर्गर, जिसमें चीज़, सैलड और अलबैग की डबल चिकन है, और ये 9 दिरहम्स ईच है। और अलबैग के फुल मेन्यू में मेरा सबसे फेवरेट बर्गर यही है। अभी मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी में, और मैंने आपके साथ शेयर किया अपना वीकेंड का एक्सपीरियंस। पहले मूवी देखने गया, द बीस्ट मूवी वाज नाइस, और एक एंग्री लायन था जिसकी स्टोरी थी सारी, मुझे अच्छी लगी, काफ़ी सस्पेंस वाली थी। और उसके बाद अलबैग खाने का एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑलमोस्ट मुझे 35 to 40 मिनट्स लगे क्यू में लगने से लेकर अपना ऑर्डर कलेक्ट करने तक। और अलबैग अच्छा था, इनके पास अभी न्यू वैरायटी ऐड हुई है। लास्ट टाइम मैं आया था तो इनके पास ये डबल बैग नहीं था जो आज मैंने बर्गर लिया था, और काफ़ी मतलब मुझे ये टेस्टी लगता है। तो आज की एक्टिविटी काफ़ी नाइस थी, और ऐसे पूरे एक फुल ऑफ स्ट्रेस वीक के बाद दिन को 12 घंटे डेली के और हफ्ते में 6 दिन काम करके, तो ऐसी रिलैक्सेशन फिर ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक ख्याल रखें अपना, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।